हम माँ बानी, धरती माँ। प्रेम बहुत सुंदर, बहुत कोमल भावना बा। प्रेम जीवन में रंग भरेला, जीवन के प्रेरणा देला, बल देला, शक्ति देला। परंतु प्रेम त्याग चाहेला, अर्पण चाहेला। अपना प्रेम खातिर जे त्याग कर सकेला, अपना आपके जे प्रेमिका के अर्पित कर सकेला, उहे सच्चा प्रेमी बा। जदि प्रेम पावे खातिर केहूं अपन राजसत्ता या बल के प्रयोग करे, तब फिर वो कितना ही सच्चा प्रेम के दावा करे, ओकर प्रेम के आगे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाला। प्रहलाद जैसन उदार और सज्जन व्यक्ति के पुत्र ऐसन कार्य करे तो देख के और भी दुख होकेला। युवराज विरोचन दीपावली के ओकर कुटिया से ले जाके आपन पिता प्रहलाद के एगो बड़ा कठोर परीक्षा में डाल देले बाड़े। देखे के ई बा कि पुत्र के एक करतूत से प्रहलाद पर का बीतत बा। ऐसन मत कहा पौत्र, यदि हमार होखते हमार लाडला पौत्र के दुख भइल तो हम ई सहन ना कर सकेनी। हम अपन पुत्र प्रहलाद के तोहार पक्ष में निर्णय देवे खातिर विवश कर देब। समझला, दीपावली तोहार हो गई। इरुवा कैसे कह सकेनी दादीशी? हम ओके पिता प्रेम खातिर तड़पत देखले बानी, हम ओके अपन पिता से प्रेम के भिक्षा मांगत देखले बानी। मला ऐसन व्यक्ति अपन पुत्रन के अपन प्यार से वंचित कैसे रख सकेला? राउर तर्क हमार समझ में आवेला दादीश्री, किंतु पता न का है हमके विश्वास नहीं के होकत के ऐसने होकी। ऐसने होके पुत्र विश्वास करा माताश्री। जब राज माता कहले बाड़ी की निर्णय तोहार पक्ष में होखी, तो निर्णय तोहार पक्ष में ही होखी पुत्र। हम जब सारा कहानी सुनले रहनी तो हमके बहुत चिंता हो गई रहे, परंतु अब राज माता के बात सुन के हमारो चिंता दूर हो गई। महाराज राज माता से बहुत प्रेम करेले, वो इनकर बात कदापि ना टाल सकेले। हम महाराज के रोम रोम से प्रसन्नता झलकत देखले रहनी जब तो युवराज बनल रहला पुत्र, और जब राजमाता तोहर पक्ष ले 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 बाड़ी तो महाराज के तोहर पक्ष लेबे के ही होके पुत्र। राहुरी बात सुन के माताश्री हम संतुष्ट हो गई नी। और दादीश्री से बात करके हमार मन के बोझ हल्का हो गई। प्रणाम दादीश्री। आयुष्मान भव पौत्र। प्रणाम माताश्री। सुखी रहा हमर लाल। अपन लाडला पौत्र के मुख पर चिंता के लकीर देख के हम तड़प उठल रहनी पुत्र वधू। पिताश्री इमली। तुला पुत्री। के बा
पिताश्री हम देखत बानी। के बा यहाँ? के बा? के रहल पुत्री? पता ना पिताश्री। सुन ले बानी, हमार पिताश्री तो से मिले आइल रहले। तू सत्य सुन ले बाड़ा मित्र, तोहार पिताश्री हमसे मिले आइल रहले। काहे? हमसे ई पूछे खातिर कि दीपावली के त्योहार हमार खातिर चुने खातिर उनके आपन न्यायाधीश बनल हमके स्वीकार बा कि ना। तो तू का कहला? हम उनसे कहने कि हमके उनका न्यायाधीश बनल स्वीकार बा। हमके तोसे सहानुभूति हो रहल बा ऋषि पुत्र। काहे? काहे कि ऐसन करके माना तू आत्महत्या कर लेले होखा। अर्थात? अर्थात तू नहीं जानत हमार पिताश्री अपन मन में हमरा खातिर कितना स्नेह रखेले। उ हमरा विरुद्ध कदापि निर्णय ना दी है। पुत्र। माता रहुआ। प्रणाम माता। आयुष्मान भव पुत्र। रहुआ कहें कष्ट कहनी माता, कोनो कार्य रहल तो हमके बोला ले होती। हम तो से कुछ मांगे आयल बानी पुत्र। रहुआ हमार प्राण मांगली माता, हमार जीवन त राउर प्रेम के ही दिहल दान बा। राउर खातिर हमार प्राण भी चल जाए तब भी हम यह समझब कि हमार पुत्र धर्म अभी पूरा नहीं खे भेल। ईश्वर ना करे कि हम अपन प्रिय पुत्र से ओकर प्राण मांगी, परंतु हम तो से जौन मांगे आयल बानी उ तो तोहके देबे के होखे पुत्र। हम तो से तोहार प्राण प्रिय खातिर कुछ मांगे आयल बानी। आदेश दी माता, का चाहता नहीं रहुआ? अपने पौत्र के मन के सुख और ओकर प्रेम की रक्षा। अर्थात? अर्थात ये कि हमार पौत्र विरोचन ऋषि वत्स के पुत्री दीपावली के प्रेम में उतावला हो रहल बा। जदियो के दीपावली ना मिलल तो ओकर सुख छिन जाए। और सुधनवा? वो भी तो केहू के पुत्र बना माता। उलझ गईल हमार पुत्र, एक बार फिर विकट समस्या में उलझ गईल। के उलझ गईल महादेवी? हमार प्रहलाद। और के? जब वो बालक रहल तब समस्या ओकर सामने एक एक करके आवत रहेले, किंतु अब कई समस्या कई प्रश्न ओकर समक्ष नाक के समान फन फैलावले खड़ा बा। न्याय की समस्या, व्यवस्था की समस्या, मर्यादा की समस्या केकर केकर सुनी हूँ। महादेवी, राउर पुत्र एगो राजा बा, और यही से वो ब्रह्मा जी के तरह चार मुख वाला या हमार तरह चार भुजा वाला नहीं खे। ओके तो सब कुछ अकेले ही करे के पड़ेला। हमके तो लागत बा कि राउर प्रहलाद यह समस्या के भी सरलता से सुलझा ली। ना कमल नयन, लागत ओकर प्रति राउर स्नेह कुछ कम हो गई बा। हे पद्मनाथ, रउआ ओ नहीं ही देख रहा जौन हम देख रहा बानी। कन्या दीपावली, ओकर पिता और तो और अंगीरा पुत्र सुधनवा भी ओकर समक्ष श्रेष्ठता के चुनाव करे के चुनौती रख दे ले बा, किंतु योग्यता के आधार का होगी? विरोचन पुत्र प्रहलाद के अत्यंत प्रिय बा, राजमाता कयाधु के भी उलाडला बा। एक ओर ए तरह संबंध के बेड़ी त दूसरी ओर न्याय के मांग। महादेवी, यदि रउआ पुत्र प्रहलाद के कोनो सहायता करल चाहत बानी त हम रउआ के ना रोकब। इहे त समस्या बा कमल नयन, श्रेष्ठता के चुनाव में एक ओर राजमहल के वैभव बा तो दूसर ओर आश्रम की पावनता, एक ओर बल बा तो दूसर ओर साधना।
एक ओर समस्त सुविधा बा त दूसर ओर अपार शांति, एक ओर अधिकार ही अधिकार बा त दूसर ओर समर्पण ही समर्पण। रहुआ अभी तक सुतनी ना महारानी? हम राउर प्रतीक्षा करत रहनी स्वामी। राउर आखन से हमके कोनो प्रश्न झाकत दिखाई दे रहल बा। हाँ स्वामी, रहुआ चाहे तो एक प्रश्न ही कह सकेनी, परंतु हमरा खातिर प्रश्न से अधिक एगो प्रार्थना बा। आज सब केहू संकेत के भाषा में बात कर रहल बा। स्वामी हम ई पूछल चाहत बानी कि रउआ ऋषि वत्स के पुत्री दीपावली के भविष्य के विषय में का सोचले बानी। परंतु हमके त समस्त प्रजा के बारे में सोचे के पड़ेला। हम आपन प्रजा के संरक्षक बानी। स्वामी, दीप पहले आपन घर में जलावल जाला, फिर केहू और के। हाँ, परंतु मार्ग पर दिया जलावल भी एगो राजा के ही कर्तव्य बा। हम कुछ नहीं की जानत स्वामी। आज तक हम रउआ से कुछ ना मंगनी, आज पहला बार हम अपन पुत्र के सुख मांग रहल बानी। कृपा करी हमरा पे स्वामी, कृपा करके ओके ओकर दीपावली दे दी। देवी, रउआ हमसे ओकर सुख मांग रहल बानी, जेकर दुख स्वयं हमरा खातिर असहनीय बा, उ हमार भी पुत्र बा देवी। तो फिर संकोच कौन बात के बा स्वामी? संकोच एगो पिता नहीं खे कर रहल देवी, संकोच एगो न्यायाधीश कर रहल बा। हमके स्वयं दीपावली बहुत प्यारी लगे ले, ऐसन प्यारी पुत्रवधु पावे खातिर कौन पिता उत्सुक ना होखे। प्रेम हमके एक ओर खींच रहल बा और न्याय हमके दूसर ओर, और हम कोनो निष्कर्ष पर नहीं ही पहुंच पा रहल। हम जाना तानी कि हम पुत्र विरोचन के दुख ना देख पाई। एकर आवश्यकता भी नहीं है स्वामी। दीपावली के पुत्र विरोचन खातिर चुन के रउआ कोनो अन्याय ना करब। पुत्र विरोचन दीपावली के मन में भी घर बना ले बा। हमके सोचे दा देवी, हमके ए उलझन से निकले के मार्ग ढूंढे दा देवी। अवश्य सोची स्वामी, परंतु हम जानत बानी अपन पिता के प्रेम खातिर तरसल व्यक्ति अपन पुत्र के कबो न तरसा सकेला। का बात बा महादेवी, कोनो गहरा चिंता में लीन बानी रहुआ? हाँ कमल नयन, हम सोचत रहनी कि न्यायाधीश के कार्य ओ समय कितना कठिन हो जाला जब ओकरा ही परिवार के कोनो सदस्य आरोपी के रूप में ओकर सामने होखे। राउर चिंता स्वाभाविक बा, परंतु यह तो वो घड़ी भी होखेला महादेवी जब ही पता चलेला कि न्यायाधीश के न्याय और न्याय प्रणाली पर कितना आस्था और अटूट विश्वास बा।
उ न्याय के जीवन और सभ्यता के एगो अटूट अंग मानेला या फिर आए दिन होखे वाला साधारण घटना? ओ कुछ भी माने कमल नयन, किंतु जौन स्थिति में हमार पुत्र प्रहलाद बा, ओमे केहू भी होखे, ओकर असमंजस में पड़ जाए स्वाभाविक बा। यही से हम सोचे नहीं कि कोनो व्यक्ति के न्यायाधीश बने खातिर ओकर दू रूप होखे के चाही। दू रूप? ई का कह रहल बानी रउवा कमल नयन? दू रूप रखल त कोनो भी व्यक्ति के अवगुण बा। उ व्यक्ति ही का जे भीतर से कुछ होखे और बाहर से कुछ और दिखाई दे। राउर बात सर्वथा सत्यबा महादेवी, सर्वथा सत्यबा। परंतु जीवन के कुछ स्थिति में ए अवगुण के अपनावल भी अनिवार्य हो खेला और एगो न्यायाधीश खातिर तो अत्यंत अनिवार्य। रउवा तो पहेली बुझावे लगनी कमल नयन। कोनो पहेली नहीं खे महादेवी, न्यायाधीश के न्याय के आसन पर बैठे से पहले और न्याय आसन पर बैठे के उपरांत दू रूप होखल आवश्यक बा। न्याय के आसन पर बैठे से पहले उ व्यक्ति केहू के पिता हो सकेला, केहू के पुत्र हो सकेला, केहू के पति हो सकेला या फिर केहू के भ्राता। परंतु जैसे ही वो न्यायाधीश के आसन पर विराजमान हो जाला, ओकर सारा नाता टूट जाए के चाही, ओके केवल न्यायाधीश रहे के चाही। और यदि ऐसा ना भइल महादेवी, तो कबो धन के लोभ से या कबो नाता के महत्ता से ओकर पांव डगमगाए लागी, न्याय प्रणाली पर भ्रष्टाचार के अधिकार हो जाई। धन और नातेदारी ता माया जाल बा महादेवी, भ्रष्टाचार के मुख्य आधार बा। इस स्थिति में हमके अपन पुत्र से एगो विचित्र प्रकार के सहानुभूति हो रहल बा, ना जाने आगे का होखे वाला बा। महादेवी, जौन प्रकार जुगनू के अस्तित्व के आभास तबे होखेला जब चारों ओर अंधकार छाइल रहेला, वही प्रकार कोनो भी व्यक्ति के चरित्र के प्रकाश तबे दिखाई देवे लागेला जब वो परीक्षा की घड़ी में घिरल रहेला। अब देखे कि ई बा कि वो ये परीक्षा खातिर कितना तैयार बा। ना विरोचन, अभी रहुआ है आसन पर ना बैठा जब तक ऋषि वत्स के पुत्री दीपावली के विषय में कोई निर्णय नहीं खे हो जात, तब तक रहुआ केवल एगो पक्ष के श्रेणी रखे नहीं। युवराज के ना हमके आपत्ति बा महाराज, हमके भय बा कि रउआ परंपरा के अवहेलना कर रहल बानी। परंपरा अनुसार विरोचन के युवराज के रूप में अभिषेक कैल जा चुकल बा,
किंतु हम वो परंपरा के तोड़ चुकल बानी। राउर उपस्थिति में हम ही कह चुकल बानी कि निर्णय हो जाए तक युवराज के समस्त अधिकारन के स्थगित कैल जात बा, कहे कि ऊ ए अभियोजन के एगो पक्ष बाड़न और यह न्याय के मांग भी बा। महाराज, न्याय के मांग ई भी बा कि जब तक आरोपी पर लगावल गई आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक ओके निर्दोष और निरपराध समझल जाए। शास्त्र के अनुसार भी जब तक ये सिद्ध नहीं हो जात कि युवराज वास्तव में कोनो अनुचित कार्य अथवा अपराध कैले बाड़े तब तक उनके युवराज के आसन पर बैठे से रोकल ना जा सकेला। हम गुरु शुक्राचार्य से सहमत बानी महाराज। शास्त्र भी यह कहेला। शास्त्र कुछ भी कहत होखे, परंपरा कुछ भी बोलत होखे, यदि हमार पिता श्री कह देने कि निर्णय होखे तक हम केवल एगो पक्ष बानी तो हम केवल एक पक्ष ही बानी। यदि हमार पिताश्री कहले कि हम यह आसन पर ना बैठ सकेनी तो हम यह आसन पर ना बैठब, कहे कि ये केवल हमार पिताश्री ही ना हमार सम्राट भी बाने। हमरा समझ एगो जटिल समस्या बा। हे महापुरुष लोग, यद्यपि कोनो कन्या खातिर वर के चुनाव केवल ओ कन्या के अधिकार बा और ऐसा अधिकार बा जेमे केहू हस्तक्षेप ना कर सकेला, परंतु ऋषि वत्स और उनकर सुपुत्री दीपावली ई कार्य हमके सौंप देहले बाड़न। कहे कि दीपावली ई निर्णय नहीं कर पा रहल क्यों अपन वर के रूप में के चुने। पुत्र विरोचन, ऋषि पुत्र सुधनवा, हम जौन भी निर्णय करी रउआ लोक के स्वीकार होखी। संपूर्णता अक्षक्षा निसंकोच महाराज। ई जानत भी कि विरोचन हमार पुत्र बा। ई तो हम तब भी जानत रहनी महाराज जब हम राउ न्यायाधीश बनल स्वीकार के लिए रहनी। और तोह के राजकुमार विरोचन, का तोह के भी हमार निर्णय स्वीकार होखी। हमरा खातिर अपन पिता के मुंह से निकलल एक एक शब्द ब्रह्म वाक्य के समान बा। राउर दिहल निर्णय हमरा खातिर आदेश होखी और राउर आदेश हमार सर आखन पर। धन्यवाद सुधनवा। धन्यवाद पुत्र। हे उपस्थित सभासद लोग, प्रश्न ईबा कि कोनो व्यक्ति के श्रेष्ठ माने खातिर श्रेष्ठता के कसौटी का बा। विशेषतः ऐसन में जब एगो पक्ष राजकुमार होखे और दूसर एगो ऋषि होखे। हमार अनुभव हमार अध्ययन ई कहेला कि ऋषि ही श्रेष्ठतम बा। कहे कि ऋषि राज के लालसा, सत्ता के लोभ और धन के इच्छा से मुक्त हो खेला। जौन एगो व्यक्ति खातिर यदि असंभव नहीं खे तो सरल भी नहीं खे। हम रउआ से सहमत नहीं खे महाराज। कहे गुरुदेव? इच्छा से मुक्ति प्राप्त कर लिहल बड़ बात बा, अवश्य बड़ बात बा, परंतु ओ से भी बड़ बात इच्छा के बोझ के संगे जीवन पथ पर चलल और एक प्रकार चलल के पांव डगमगा ना पावे, ओ से भी बड़ बात बा। राज मुकुट के ठुकरा दिहल यदि श्रेष्ठ बा तई जान के भी कि राज मुकुट में कांटा भी होखेला ओके पहिन लिहल भी ता श्रेष्ठता के चिन्ह बा। राजा होखल भी तपस्वी होखे से कम ना होखेला। राजा जब केवल आपन ना होके सारा प्रजा के हो जाला तो ऊ कौनो ऋषि से कम महान ना रह जाला।
और एकर सर्वोत्तम उदाहरण महाराज स्वयं रउआ बानी। सारा संसार जानेला कि रउआ प्रजा खातिर अपना आप के भी त्याग देनी, और हम युवराज विरोचन के यह शिक्षा देले बानी, यदि श्रेष्ठता के कसौटी यह बा तो हमार शिष्य एक कसौटी पर खरा उतरेला। हम राउर तर्क मान लेली कुलगुरु, परंतु ये ना भूली कि विरोचन दीपावली के ओकर कुटिया से ले आयल रहल। हम के एकरा पर भी आपत्ति बा महाराज। कहें काई सत्य नहीं खे? बा, किंतु अधूरा सत्य। पूरा सत्य ई बा कि युवराज विरोचन पुत्री दीपावली के लेना आयल रहले। पुत्री दीपावली उनका संगे आयल रहली और युवराज बल के प्रयोग ना कैले रहले। बल के प्रयोग केवल शारीरिक रूप से ना होखेला गुरुदेव, मानसिक रूप से भी होखेला। विरोचन के युवराज होखल दीपावली के ई जान लिहल कि विरोचन युवराज बा, पर्याप्त बा कि वो ओकर कहल मान ले। ई एगो ऐसन बल, एगो ऐसन शक्ति के प्रयोग बा गुरुदेव, जौन देखाई ना देला। यह कारण बा कि जब विरोचन दीपावली के अपना संगे चले खातिर कहलस तो सर झुका के चल गए। यदि ऐसन प्रवृत्ति के प्रोत्साहन देहल गैल ते आवे वाला युग में राज परिवार के सदस्य एक उदाहरण बना लिहन और ऐसन घटना के एगो दुष्चक्र चल पड़ी, जेकर कारण बहू और बेटी स्वयं के असुरक्षित समझे लगी हन। विरोचन ही कार्य कई के आपन महत्ता के घटा देहलेबा। ठहरी महाराज, युवराज विरोचन पुत्री दीपावली से चले खातिर कहले और उनका संगे आ गईली, एकर का प्रमाण बा कि यदि ऋषि पुत्र सुधन्वा भी उनसे संगे चले खातिर कहते तो उनका संगे ना जाती? परंतु सुधन्वा ऐसन कुछ भी ना कहले, ऐसे युवराज के महत्ता घटे के प्रश्न ही नहीं खे उठत। चलिए कुलगुरु, हम राव ई तर्क भी मान लेनी, फिर भी एगो ऐसन बात दिखाई देला जौन विरोचन के साधारण और सुधन्वा के श्रेष्ठ सिद्ध करेला। दीपावली विरोचन और सुधन्वा दोनों के भाग गेल और विरोचन होके अपन संगे ले आयल। कोनो साधारण व्यक्ति भी ऐसन करत कि जो ओकरा मन के भा जाए ओके अपन संगे ले आए? हमके फिर भी आपत्ति बा महाराज, दीपावली स्वेच्छा से युवराज के संगे आयल रहली। तब तो सुधन्वा के श्रेष्ठ होके के एगो और प्रमाण मिल गेल। रउवा का कहल चाहत बानी महाराज? राउर कहे के अनुसार यदि दीपावली स्वेच्छा से विरोचन के संगे चल आयल रहल तो कोनो साधारण व्यक्ति होखत तो ओकर चरित्र पर संदेह भी कर सकत रहल। कोनो कन्या के चरित्र पर संदेह कैल, ओ पर लांछन लगावल, ओ पर कोनो प्रकार के आरोप लगावल ओकर भविष्य और जीवन नष्ट करे खातिर पर्याप्त बा। साधारण व्यक्ति ऐसन कर सकत रहल, परंतु जब हम सुधन्वा से मिलनी ते घटना के कारण हम ओकर माथा पर एगो बल भी ना देखनी। ओकर नेत्र में देवी दीपावली के चरित्र पर संदेह के एगो हल्का सा छाया भी ना देखनी। नारी के चरित्र पर ऐसन विश्वास, ओकर स्वतंत्रता के ई आदर, ओकर अधिकार के प्रति ई सम्मान ऋषि पुत्र सुधन्वा के युवराज विरोचन से श्रेष्ठतम सिद्ध करेला। ई सब बात के समक्ष रखत हम ई निर्णय देत बानी कि ऋषि पुत्री दीपावली के जीवन संगी बने के वास्तविक अधिकारी
युवराज विरोचन ना, ऋषि पुत्र सुधन्वा बाड़न। बधाई होखे मित्र, बधाई होखे। हे न्यायप्रिय महाराज, अब हमके विश्वास हो गई कि हम अपन युवराज होके के अधिकार के अनुचित लाभ उठौनी। यही से हम अपन इच्छा से युवराज पद त्यागे के घोषणा करत बानी। प्रणाम। कमल नयन, कहीं देवी? धन्य बा राउर पुत्र प्रहलाद, धन्य बा। आज सारा संसार के संगे संगे हमके भी ऊपर गर्व हो रहल बा। और काहे ना होखी, जब कोनो संतान कोनो बड़ा परीक्षा में पूर्ण अंक से उत्तीर्ण होखेला तब माता पिता के प्रसन्नता देखे योग्य होखेला महादेवी। हाँ पद्मनाथ, आज प्रहलाद जौन कर दिखावलस ओसे आवे वाली पीढ़ी प्रेरणा ली। वो ई सिद्ध कर दिलस कि राज धर्म के समक्ष पितृ धर्म, पुत्र धर्म और पति धर्म कुछ महत्व ना रखेला। न्याय के आसन पर बैठ के राजा खाली न्यायाधीश ही होखेला। हाँ महादेवी, आज यदि प्रहलाद आपन पुत्र विरोचन के पक्ष में निर्णय दे देले होखत तब भी केहू ओपर अविश्वास न करत, सब ओके स्वीकार कर लेते। परंतु हमनी के पुत्र प्रहलाद आज लोगन के वो विश्वास के रक्षा कैले बा जौन राजा बनावत समय लोग ओपर कैले रहले, उ लोगन के विश्वास के टूटे ना दिहलस महादेवी। ए उपलक्ष पर हम ओके बधाई दिहल चाहत बानी। त हम दोनों के चले के चाहिए, चली। पुत्र। प्रभु। आयुष्मान भव। हे गरुड़ ध्वज, हे माता राज राजेश्वरी, रउआ दोनों यहाँ, ये हमार सौभाग्य नाता और काबा। हमनी के तोहके तोहार निर्णय पर बधाई देवे आइल बानी। माता, हमार कौन निर्णय पर प्रसन्न होके रउआ दोनों हमके दर्शन देले बानी? पुत्र प्रहलाद, तू जौन निर्णय कैला कोनो साधारण कार्य ना रहल पुत्र। हे प्रभु, हम ते केवल राउर बनाइल गेल नियम के पालन कैले बानी। निसंदेह पुत्र, निसंदेह। परंतु फिर भी वो कार्य इतना सरल ना रहल। शालीनता के पूर्ण पालन करे के उपरांत भी तू अपने पुत्र विरोचन के सुधनवा से अधिक श्रेष्ठ ना ठहरौला। दोनों के श्रेष्ठता में बहुत सूक्ष्म रेखा रहल पुत्र। ऋषि पुत्र के लगे तपोबल रहल जेकर प्रयोग उना कैलस। परंतु तोहार राजपुत्र विरोचन राजबल के प्रयोग कर बैठल। हे प्रहलाद, ई निर्णय करे में तोहके आपन ही माता कयाधु के सारा स्नेह सरिता भूले के पड़ल होखी। महारानी धृति के सारा याचना के ठुकरावे के पड़ल होखी। आपन ही पिता होखे के भावना के कुचले के पड़ल होखी। हे पद्मनाभ, यह त राजा के धर्म बा। अवश्य पुत्र, अवश्य। अब तक तू केवल एगो भक्त रहला, अब धर्मात्मा भी बन गईला। इस सारा संसार तोहके महामानव के रूप में स्मरण करी। मांगा पुत्र, मांगा। तोहार जौन इच्छा होखे मांगा। बस अब और का इच्छा होखी? नदी अपन यात्रा समाप्त कर सागर तक पहुंच गईल बिया और रउआ के वापस मुड़ल चाहत बानी। हाँ प्रभु, अब तक केवल ज्ञान चाही, वैराग्य चाही। हम अपनी सब उत्तरदायित्व से मुक्त होखल चाहत बानी प्रभु। अब तक केवल राउल रूप के
राउर नाम के स्मरण कैल चाहता नहीं। तथास्तु। परंतु पुत्र, एगो निर्णय जौन तू कैले बाड़ा, हम चाहत बानी कि तू वो निर्णय के वापस लेला। विरोचन के आपन अधिकार से वंचित मत करा पुत्र, ओकर राज्याभिषेक करदा। आपन प्रजा के प्रति तोहारी अंतिम उत्तरदायित्व बा, ओकर निर्वाह करा और तत्पश्चात संन्यास ग्रहण करला। जैसन राव आज्ञा प्रभु। आपन भक्त के प्रणाम स्वीकार करी। माता, आपन पुत्र के प्रणाम स्वीकार करी। आयुष्मान भव। कन्या किसको प्राप्त हो जब यह उठा विवाद, राजधर्म की राह से डिगा नहीं प्रहलाद, पुत्र मोह को त्याग कर रखा न्याय का मान, सब समान जिसके लिए राजा वही महान, राजा वही पथ पे चल सुजान विष्णु पुराण।